अगर आपके रिलेशनशिप में भी आप पार्टनर से बात करना चाहते हो लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर करता है, और पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, अब ये समझना चाहते हो कि आखिर आप रिलेशनशिप में ऐसा क्या कर सकते हो जिस वजह से पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आए, पार्टनर भी आपके बारे में सोचे। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ना एक बात आप समझो, जब भी हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं या तब हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं। यानी कि मान लो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की, तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आपका ध्यान बार बार पार्टनर के ऊपर जा रहा है, इसीलिए आपकी इच्छा हो रही है पार्टनर से बात करने की, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए कि आपको पार्टनर का बिहेवियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको इग्नोर ना करे, पार्टनर आपको टाइम दे, तो पार्टनर अगर आपके बारे में सोचता है, यानी कि पार्टनर को अगर मौका मिलता है आपके बारे में सोचने का, तो पार्टनर खुद आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा, पार्टनर खुद आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होता है ना, पार्टनर को हम हमारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। हम पार्टनर से ये कंप्लेन तो ज़रूर करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचते नहीं हैं, वो हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती हमसे बातचीत करने की। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो काफ़ी नॉर्मल रिस्पॉन्स करते हैं, इच्छा ही नहीं होती उनकी बातचीत करने की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कई बार हम ही उन्हें मौका नहीं देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबकॉन्शियसली उनकी एक हैबिट बन जाती है कि आप उनके लाइफ में इन्वॉल्व होते रहोगे और उन्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि उनकी ये आदत बन जाती है, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि आप ही इन्वॉल्व होते रहोगे। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो पार्टनर भी हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करेगा। नो डाउट कि आपको रिलेशनशिप में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टनर से बातचीत करने की आपको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ आपको पार्टनर को मौका भी देना चाहिए कि वो भी बातचीत करने की कोशिश करे, वो भी ये जानने की कोशिश करे कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। यानी कि अगर सुबह आप अपने साइड से पार्टनर से कांटेक्ट करते हो तो एटलीस्ट इवनिंग में उन्हें कोशिश करने का मौका दीजिए। अब आप कहोगे कि इतना प्रैक्टिकल बन के हम क्यों चले रिलेशनशिप में, इस सवाल का जवाब भी आगे मैं आपको दूंगा। कई बार आपको दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से भी सोचना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि रिलेशनशिप में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कई बार हमारी कुछ ऐसी गलतियों के वजह से हमें इतना स्ट्रॉन्ग या इतना प्रैक्टिकल बनना होता है। अदरवाइज़ पार्टनर आपको इग्नोर करते चले जाएगा। अब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उनके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हो और ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से क्या होता है, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो कि उन्हें ही मौका नहीं मिलता है ये जानने का कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इस बात को आप जितने गहराई से समझोगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने साइड से बातचीत करना ख़त्म कर दो, एटलीस्ट कम करो ताकि उन्हें मौका मिले, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहे, वो उनके साइड से एफर्ट्स डाले। और ऐसा होता भी है, आज पार्टनर इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए दिख रहा है, हमें लगता है कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पार्टनर तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दो बातें हैं। सबसे पहली बात, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। दूसरी बात, आप इतना खुद को इन्वॉल्व करते हो कि उन्हें इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलता है, इसीलिए उन्हें इन्वॉल्व होने का मौका दो। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो उन्हें शांत होने का टाइम दो। ये ना बहुत अजीब सी बात है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई आपको इग्नोर करता है या आपके कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब मान के चलो वो इरिटेट हो रहे हैं, वो गुस्से में है,
अब हमारा क्या बिहेवियर होता है जब हम ये देखते हैं कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, तो हम उन्हें समझाने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप उन्हें शांत होने के लिए थोड़ा टाइम दे दोगे, तब आप उन्हें प्यार से समझा सकते हो, और यकीन करो वो आपकी बात समझेंगे भी। लेकिन हमारा क्या बिहेवियर होता है जब भी हम ये देखते हैं कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें शांत होने का मौका ही नहीं देते, इसीलिए वो हमारे ऊपर और ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं, गलत तरीके से हमसे बातचीत करते हैं, और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं हमारी बातों को। हमें बस इतना समझने की ज़रूरत है कि जब भी पार्टनर हमें इग्नोर करे, वहाँ पर उन्हें शांत होने का मौका दो, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। कभी आपकी गलती के वजह से पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, चाहे गलती उनकी है और फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी कोशिश करो, फिर उन्हें शांत होने का टाइम दो, फिर उन्हें समझाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और जब सिचुएशन पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वहाँ पर हम शांत बैठते हैं। लेकिन वहाँ पर शांत बैठने का ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमने इतनी समझाने की कोशिश की, वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो हमें पता है कि अब हमें शांत ही बैठना होगा। लेकिन आप मजबूरी के वजह से साइलेंट हो रहे हो, ये गलत है। इससे पहले ही आपने थोड़ी कोशिश की, एक दो बार कॉल्स किए, बात करने की कोशिश की, फ़ाइट होने के बाद आपने फ़ाइट को सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो नहीं मान रहे हैं, फिर थोड़ा पीछे हट जाओ, शांत हो जाओ। कई बार कुछ घंटों के लिए अगर आप शांत हो जाते हो, या फिर एक दो दिनों के लिए अगर आप शांत हो जाते हो, तो यकीन करो उनका भी ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा, और धीरे धीरे वो भी आपसे बातचीत करने लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बिहेवियर लेके चलते हो, तभी उनको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। जितना उन्हें शांत होने का मौका मिलेगा, यकीन करो वो उतना आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है, जब भी आपको ये चीज़ पता चल जाए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश या उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पार्टनर इग्नोर करता है, आप देख रहे हो कि हर दूसरे दिन पार्टनर आपको इग्नोर करता है, थोड़ी फाइट होती है तो पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, आपको अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। जैसे ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यकीन करो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो अभी आपके और पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कोई फ़ाइट हुई है, अब हम क्या करते हैं, उस फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अपने पार्टनर को एक दो बार कॉल्स कर दिए, अब आपको ना बहुत अच्छे से पता होता है कि चाहे अब इस वक्त आप पार्टनर से जितनी भी बातचीत करने की कोशिश करोगे, पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनेंगे। वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, जब आपको पता है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वहाँ पे उन्हें समझाने के बजाय खुद को समझाओ कि वो आपकी बात इस वक्त तो नहीं सुनने वाले हैं। यानी कि आपको ये समझ में आ जाता है कि पार्टनर का बिहेवियर क्या है, क्योंकि आप पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो कि कहाँ पे वो आपसे बात करेंगे, वो कितने देर नाराज़ रहेंगे, वो कितने दिनों तक इग्नोर करेंगे, और वो किस तरीके से बात करेंगे जब वो गुस्से में है। हमें थोड़ा समझदारी क्या दिखाने की ज़रूरत है, जब हमें पता है कि अभी हम कितनी भी कोशिश करें वो हमें इग्नोर करेंगे, वहाँ पर हमें कोशिश नहीं करनी है। देखिए, रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से एफर्ट्स डालना। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉल्स करके उन्हें समझाओगे, मैसेजेस करके उन्हें समझाओगे, रोकर उन्हें समझाओगे, तो उससे वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लो इस तरीके के एफर्ट्स डालने से अगर वो समझ भी गए, तो उनके अंदर काफ़ी ईगो आ जाएगा, काफ़ी एटीट्यूड आ जाएगा। इसलिए रिलेशनशिप में एक बहुत ज़रूरी बात है, चाहे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो उनके एफर्ट्स से भी सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस अकेले कोशिश करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि आपका रिलेशनशिप बच गया। रिलेशनशिप बचता नहीं है, ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने साइड से एफर्ट्स डाल के सिचुएशन को पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा खुद को स्ट्रांग भी बनाओ, यकीन करो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से चलते हो ना, तभी आपको सारी बातें समझ में आती है कि उनका क्या बिहेवियर रहता है।
और ये बातें आपको भी समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर पता है वो इग्नोर करेंगे वहाँ पे पहले ही शांत हो जाओ, जहाँ पे पता है कि वो अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे वहाँ पे उनसे बातचीत करने की कोशिश मत करो। वो गुस्से में है आप समझ गए, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के बाद आप फिर से कोशिश कर सकते हो उनसे बातचीत करने की। ये एक बेस्ट तरीका होता है कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल बन के रिलेशनशिप की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। वेल अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे बात करके उस सवाल के जवाब को ढूंढ सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए आप प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। आप केवल 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपनी कॉल बुक करके डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कीजिए। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो सेफ ही रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट।